आज हम बनाएंगे बची हुई ब्रेड में से कुछ नया नाश्ता। अक्सर जब भी हम ब्रेड की कोई चीज घर पे बनाते हैं तो हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में ब्रेड बच जाती है, तो उस समय पर आप बहुत ही कम ब्रेड में से पूरे घर के लिए ये नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। अभी यहाँ पर मेरे पास तीन बड़ी साइज की ब्रेड है, जो जंबो साइज की ब्रेड आती है ये वही ब्रेड है, और मेरे पास अभी सिर्फ तीन बची है। तो इसमें से हम एक नया नाश्ता बनाएंगे, तो जिसके लिए मैंने बेसन लिया है 1.5 कप। बेसन को मैंने छान के इस्तेमाल में लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम सारे मसाले, लेकिन पहले डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी। सूजी डालने के बाद उसे हम पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे और फिर इसका एक घोल तैयार करेंगे। जब भी आपके पास बहुत कम ब्रेड बची हो तो आप ये नाश्ता जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कम मात्रा में तेल इसमें इस्तेमाल होता है, और आप चाहे तो इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में सब्जियां जो आपको पसंद है वो डाल के तैयार भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमें जो हम बेसन के चीले बनाते हैं उस तरह की कंसिस्टेंसी का रखना है, तो आप उस हिसाब से पानी डालें और सेट कर लें। तभी हमारा जो बेसन का घोल है वो तैयार हो चुका है, तो इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। अभी हमारा जो घोल है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे कि सूजी ने ज्यादा पानी अब्सॉर्ब किया है और घोल काफी गाढ़ा हो गया है तो आप पानी मिला सकते हैं, अभी मुझे जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब बारीक कट किया हुआ ओनियन, 2 बड़े चम्मच अदरक मिर्च का पेस्ट, आप चाहे तो इसके अंदर लहसुन भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ता डाल देंगे तकरीबन 1/2 कप, हल्दी पाउडर मिलाएंगे, आपके पास घर में जो भी वेजिटेबल है आप डाल सकते हैं, 1 टीस्पून डालेंगे अजवाइन, अजवाइन आप जरूर डालें, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर डालेंगे चुटकी भर हींग और स्वाद अनुसार नमक, मैंने 1 से 1.25 टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक मिलाया है। अच्छी तरह से सब मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो गाजर लौकी वो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, कैबेज भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा चुटकी भर खाने का सोडा। सोडा डालने के बाद एक ही दिशा में चलाते हुए हम मिक्स करेंगे ताकि सोडे का इफेक्ट अच्छी तरह से आए। अब एक नॉनस्टिक लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे तेल। अभी यहाँ पर मैं तेल ले रही हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं या फिर बटर भी डाल सकते हैं। तो पहले हम ब्रेड की स्लाइस को एक साइड से अच्छी तरह से क्रिस्प कर लेंगे। जब इस तरह से वो क्रिस्प हो जाए तब पलट देंगे और जो क्रिस्प किया हुआ भाग है उसे ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर हमने जो बैटर तैयार किया था वो इस तरह से फैला देंगे। बैटर हमें ना ज्यादा गाढ़ा फैलाना है ना ज्यादा पतला, उसे मीडियम थिक रखेंगे और चारों ओर इस तरह से फैला देंगे। एक ढक्कन लगाएंगे, गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और उसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट अभी हो चुके हैं तो इसे हम पलट देंगे। जो नीचे वाली ब्रेड थी वो अभी बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी हम बेसन का घोल लगा देंगे। ये भी हमें न ज्यादा मोटा यानी कि गाढ़ा लगाना है न ज्यादा पतला, मीडियम थिक कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। किनारों की और भी अच्छी तरह से लगाएंगे, फिर से ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। अब इसे पलट देंगे। नीचे वाला जो हमारा बेसन का घोल था वो अभी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। दूसरी ओर भी उसी तरह से हम कुक कर लेंगे और थोड़ा सा तेल अभी लगाएंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ज्यादा तेल पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट के बाद पलट कर हम देख लेंगे। तो दूसरी साइड भी अभी अच्छी तरह से हमारी कुक हो चुकी है। तो अभी हमारा जो नाश्ता है ब्रेड का नया वो बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से हम बाकी जो 2 ब्रेड बची है उसे भी इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो आपने देखा दोस्तों, बहुत ही कम समय में ये मजेदार नाश्ता तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से इसे सर्व करते हैं ताकि ये दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगे और बच्चे इसे सामने से मांग मांग कर खाए। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब उसके ऊपर हम हरे धनिया और पुदीने की चटनी लगाएंगे। अगर आपके पास चटनी नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। इस तरह से सर्व करने से ये बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है और खाने में तो ये बहुत मजेदार है ही। बारीक कट किया हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी बेसन की सेव डालेंगे
और सबसे लास्ट में गार्निशिंग के लिए हम डाल देंगे टोमेटो केचप। तो अभी हमारा नया नाश्ता तैयार है। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें दोस्तों, आपके घर में ये सभी को बहुत पसंद आएगी। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी आप जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ।